ऑलराइट, तो ये लास्ट सॉन्ग आज का फॉर माय लवली वाइफ, क्योंकि वो तो मायके में है तो उसको तो सुना नहीं सकता, तो वीडियो के थ्रू सुना देता हूँ। तो दिस सॉन्ग इज फॉर माय लवली वाइफ। 1 2 3 हाँ जी भाई, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारे प्लम्बर भैया सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गए, काम को इतना सीरियसली लिया कि क्या बताऊँ। हमने प्लम्बर भैया को कल बोला था कि एक नल लगाना है, एक नल लगाने के लिए वो सुबह सुबह 7:30 बजे आ गए। मेरे को सोना है यार, बट क्या करे, नल लगवाना भी जरूरी है। आप लोग सोच रहे हो कि नल किस खुशी में लग रहा है, तो हमारी जो बीवी जी हैं उनके लिए एक वॉशिंग मशीन लग रही है इधर, और वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक लेके आई है। वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए बहुत दर्द गर्म है भाई। एक पाइप दो कंटिन्यूसली उसमें कनेक्टेड रहेगा, एक 16 एम्पियर का पावर बोर्ड दो, और फिर इंस्टॉलेशन करने के लिए भी बंदा आएगा। मैं तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे नल लग जाए फिर सो जाऊंगा। चलो नल लगाते। और एक और चीज, इतने सालों में मेरे कमरों में कभी टीवी नहीं लगी और अब देखो मेरे कमरे में टीवी भी है। मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, ये भी बीबी जी के लिए। सुबह के 7:30 हो रहा है लेकिन क्या धूप छुप रही है यार। टेप लगाने के साथ ग्रिप का क्या मतलब? ग्रिप नहीं होता, चुड़ियों में जाकर दोनों में बैठ जाता, उसकी चुड़ी और इसकी चुड़ी। ऐसा आ गया, आ गया। मुबारक हो, मुबारक। पानी आ गया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो जा लेट जाऊँ क्या? अभी दूध दूध नहीं है। मैंने सोचा था कि मस्त आराम से सोऊंगा, लेकिन अब दूध लेने जाना है। दूध लेने जाना है तो फिर रोटी को भी घुमाना है। क्या यार, सोना ही नसीब नहीं हो रहा। एक तो मैं इस कमरे में जितने बार भी आता हूँ ना, तो मेरे को मेरी वाइफ की याद आती है। पहले तो अपन अकेले थे, कोई था नहीं, तो अपन मस्त पढ़ देते थे। फिर अभी अपने शादी हुई तो इस कमरे में वो मंडराती रहती थी, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। तो जब भी इस कमरे में आओ ना तो उसकी याद आती है। या अगर होती तो यहाँ वहाँ मंडरा रही होती, कभी इधर जा रही होती, कभी उधर जा रही होती। थोड़ी डरावनी लगती है रात में ऐसे मंडराते हुए, बट अच्छी लगती है। चलो रोटी, चलो 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 चलो। क्या जय शिव शंभु। तो फाइनली ऑलमोस्ट एक महीने के बाद में मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ आज फाइनली। लाइट नहीं है? अरे रेल, बिना लाइट के तो हालत खराब हो जाएगी भाई। ये शिव शंभू। जय भगवान जी। जय। क्या हाल चाल मोटू पतलू? ये हमारा मोटू, ये हमारा पतलू। मोटू पतलू, हमारा पेड़ के क्या हाल है यार? पानी तो पूरा सूख गया इसका यार। अरे रे रे, मेरा पूरा बंबू ही सूख गया, इसमें पानी देना पड़ेगा यार। पत्ता ही पीला पड़ गया एक, इसे पानी देके गया था लेकिन पानी सूख गया, इसका भी पूरा पानी सूख गया। क्या हालत हो गई यार दुकान की। चलो फटाफट दुकान की हालत ठीक करें। सभी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप लोग बताना चाहता हूँ, आपका भाई प्रोफेशन से एक टैटू आर्टिस्ट है और ये है हमारी शॉप जिसका नाम है होम ऑफ आर्ट टैटू प्लैनेट। मेरी शॉप है मिनाल राज एवेन्यू 4A में। अगर आप लोगों में से कोई भी टैटू बनवाने में इंटरेस्टेड होता है तो आप टैटू बनवाने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आई होगी, उसमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से हमारी शॉप है। सॉरी उस टाइम लाइट नहीं थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। तो ये हमारी शॉप है, ठीक है। ये हमारा एंट्रेंस, वो हमारी सफारी खड़ी है वहाँ पर। ये हमारा एंट्रेंस, हमारे भगवान जी, ठीक है, इनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। हमारा गिटार, बहुत दिन हो गए यार गिटार नहीं बजाया, मन कर रहा है गिटार बजाऊं, देखते हैं। ये हमारा वेटिंग एरिया हो गया, ये हमारी आर्ट गैलरी हो गई, ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया, और ये है हमारा थोबड़ा देखने वाला एरिया, हमारा गोकू, मेरा स्ट्रीमिंग और गेमिंग स्ट्रीमिंग वाला एरिया, और जहाँ पे मैं टैटू वैटू एडिट करता हूँ, बस ये। ये है हमारी लंबी चौड़ी दुकान। चलो, बहुत दिनों से गिटार नहीं बजाया, अब गिटार बजाए। जैसे मैं बहुत दिनों बाद गिटार बजा रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत दिनों बाद गिटार छू रहा हूँ। क्या तो उंगली दुखी है मेरी, देख रहा हूँ। चलो कुछ बजाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये भगवान बचा लेना। एक तो जब तक अगर आप गिटार उठाओ और DDLJ ना बजाओ तो मजा नहीं आता है।
वन ऑफ माय फेवरेट। जितने भी मैं सॉन्ग्स बजा रहा हूँ ना, इसके इन सभी के नाम मुझे कमेंट्स में चाहिए। बताइएगा कि जो मैं गाने बजा रहा हूँ वो आपको पते हैं कि नहीं पते, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो अगला। Alright, तो ये लास्ट सॉन्ग आज का फॉर माई लवली वाइफ, क्योंकि वो तो मायके में है तो उसको तो सुना नहीं सकता, तो वीडियो के थ्रू सुना देता हूँ। तो दिस सॉन्ग इज फॉर माई लवली वाइफ। 1, 2, 3। और नीचे नहीं हुआ, नीचे ही आ रहा है ना। अब क्या है, ऊपर अपनी वॉशिंग मशीन रखा गई तो वो पानी आता है कहाँ पर, सीधा पानी आएगा यहाँ पर। अब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है ये पाइप का मुंह है यहाँ पर खुला, तो जो भी पानी आता है ना वो सारा का सारा यहीं बहता है और यहाँ से फिर रोड पे जाता है। तो अब वो पानी यहाँ वाना फेल है क्योंकि सरफ का पानी रहेगा वॉशिंग का, तो इसलिए हम इस पाइप को कनेक्ट करके सीधा नाली में निकलवा रहे हैं। अब वो भाई मेरे को मैंने ये लगा दिया, अब आप पंकज है पापा से लगवा लो, ये वाली मैंने लगाई है, ठीक है ना। ये हमने इसलिए लगाई क्योंकि रोडी के लिए, तो रोडी क्या है यहाँ से देख लेती है लोगों को बाहर, तो फिर बहुत भौंकती है, जैसे बाहर से भौंक रही है, कान बहुत तेज है। और ये मेरी वाइफ के हाथ है, ये देख रहा, 1, 2, 3, 4, 5 हाथ नहीं है उसके, 2 और 1 करके लगाए थे। ये मेरी वाइफ के हाथ ही मनी प्लांट, पहले मैं सोचा था उसको मनी प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से पैसे ऐसे आते होंगे, जब छोटा था तो पता नहीं था ना पैसे आते कहाँ से, तो घर वाले बोलते थे मुझे, मामू बनाते थे बोलते थे पैसे इसी पेड़ से आता है मनी प्लांट। इस साइड मुंह कर देना उसको। हाँ ये सर, हाँ। अरे नहीं, अब उधर उधर जाए तो फिर दूसरे को प्रॉब्लम हो इस चक्कर में, थोड़ा सा और इसमें जोड़ देंगे तो। और भैया वॉशिंग मशीन की तरह पानी डालना है, दो सटीक जा रही है बिल्कुल उसमें, पर वॉशिंग मशीन इतना पानी तो फेंकती नहीं है जितना तुमने फेंक दिया, एकदम सटीक उसी छेद में जा रही है वो पानी। मिशन सक्सेसफुल। कपड़े डाल के आऊं मतलब, आओ सारा काम मेरे से करवाते, हम बाल बना के रख दिया। पता है ये चीज़ आप लोग के साथ में होती है होती पता नहीं, जब मैं छोटा था, ठीक है, जब मैं छोटा था तो ये लोग मुझसे काम करवाते थे क्योंकि मैं बड़ा था, जब मैं छोटा था तब मैं बड़ा था क्योंकि मेरे पास एक छोटा भाई था। मेरी उम्र रही होगी अराउंड 8वीं से लेकर 10वीं 12वीं क्लास तक, मेरे को एक ही चीज़ सुनने को मिली कि तू बड़ा है वो छोटा है। मैं तब समझता था कि ठीक है वो छोटा है क्योंकि वो सच में छोटा था, फिर मैं बड़ा हो गया
मैं आ गया कॉलेज में, मेरा भाई आ गया ट्वेल्थ में, ऐसा तब भी मुझसे ये कहा गया वो छोटा है। मैंने कहा ठीक है छोटा है तो जान दो। फिर हम और बड़े हो गए, नौकरी करने चला गया, वो कॉलेज में आ गया, तब भी मुझे ये बोला जाता था कि तू बड़ा है तू काम कर, वो छोटा है। मैंने कहा इतनी जितना वो छोटा है ना तब से तुम उससे काम करा रहे हो, अब तो वो बड़ा हो गया अब तो उससे काम कराओ। लेकिन तब भी नहीं, सारा वजनदारी वाला काम मुझसे कराते, कहते खा खा के सांड हो रहा है थोड़ा बहुत तो काम कर। तो ये चीज आप लोगों के साथ में होती है क्या? जो भी घर का बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहता है, जो हमेशा छोटा है वो कितना ही बड़ा हो जाए वो छोटा ही रहता है। आपके साथ होता है क्या? चल आड़िया जान दो। So, all right, ladies and gentlemen, I hope आपको आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है अपन को, मेहनत करते करते बहुत टाइम हो गया, बट कोई नहीं, ये गाना कब तक गाएंगे, मेहनत जब तक ऊपर वाला करवाएगा तब तक अपन करते रहेंगे, फल देना उसके हाथ में है। तो चलो आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और यू ही मनोरंजन ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अंदर किसी ब्लॉग में, कुछ नहीं बातों के साथ, कुछ नहीं कहने के साथ, कुछ नहीं कर सकते, तब तक बाय बाय, सी यू।